पूरे देश में जल्द ही सावन के त्योहार को मनाया जाना है और सावन का महीना भी शुरू होने वाला है। इससे पहले कांवड़ यात्रा को लेकर संशय पैदा हो गया है और लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर जो असमंजस बना हुआ है उसे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि उत्तराखंड में रोक लगाई जानी चाहिए, साथ ही साथ यूपी में भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगनी चाहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है और इसके चलते उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक लग चुकी है। आपको बता दें, इससे पहले उत्तराखंड के नवनिर्वाचित सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह अपील की थी कि महामारी के बीच कांवड़ यात्रा न करवाई जाए। वहीं इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पहले नेगेटिव रिपोर्ट आरटीपीसीआर की लेनी होगी और अगर आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होती है तो भक्त लोग कांवड़ लेकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकते हैं। वहीं इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और रोक लगाने के लिए कहा है कांवड़ यात्रा पर, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच ऐसा रिस्क नहीं लिया जा सकता। वहीं इसी बीच यूपी में कांवड़ यात्रा की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है उत्तर प्रदेश सरकार को और उनसे पूछा है कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया है। हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के बाद ओडिशा सरकार भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा चुकी है और उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिल चुका है। ऐसे में असमंजस बना हुआ है और लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार की कांवड़ यात्रा शायद नहीं हो पाएगी। पहले क्या है आपकी राय, क्या कांवड़ यात्रा तीसरी लहर को देखते हुए होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह के ताज़ा अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।